नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार GK 23 में। दोस्तों, आपको हम बताने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जो भी आपका परीक्षा होने वाला था और इसका लास्ट डेट था 19 तारीख 12 मई 2020, लेकिन इसका डेट अब बढ़ गया है। इसका डेट बढ़कर 24/12/2020 हो गया है, यानी दोस्तों इसका डेट बढ़कर कितना हो गया, 24/12/2020 हो गया है। आपको इसके पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं कि डेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, अगर पूरी जानकारी हम देने जा रहे हैं। सबसे पहले आइएगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर बिहार NTSNMSS.in के, जो भी इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा तो कुछ आपको इस तरह से खुलेगा और खुलने के बाद आप इसका दे देंगे लिंक, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऑफिशियल वेबसाइट का, वहां से भी आप आसानी से देख सकते हैं। ये इस पर आइएगा, लिखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सटेंशन ऑफ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन NTS, इस पर क्लिक। ये NTS के लिए है, ये है NMMSS के लिए है, ठीक है। हम NTS पर क्लिक करते हैं और खोलते हैं। देखिए दोस्तों, जो ही आप खोलिएगा, देखिए यहाँ पर, देखिए ये 15 दिसंबर 2020 को अपलोड किया गया था, लेकिन हमको पता नहीं था पहले से। देखो दोस्तों, ये 15 दिसंबर 2020 को अपलोड किया गया था। इसमें लिखा गया है क्या कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्टेज फर्स्ट परीक्षा 2021 में शामिल होने के लिए छात्र छात्राओं के लिए आवेदन हेतु अंतिम तिथि 24/12/2020, यानी इसका अंतिम तिथि जो हो गया है 24/12/2020 हो गया है। इसमें लिखा गया है क्या, आप पढ़ सकते हो, उपयुक्त विषय पर अंकित करना है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्टेज वन परीक्षा 2021 में शामिल होने हेतु छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19/12/2020 तक निर्धारित की गई थी। ये दोस्तों 19/12/2020 तक निर्धारित की गई थी, लेकिन अब ये कुछ प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय का वेबसाइट www.biharscert.in या बिहार NTSNM इसी में यही साइट है पर समय रजिस्टर नहीं कर पाए। जो हाँ, जो टीचर थे हेडमास्टर, वो इस वेबसाइट पर अपना रजिस्टर नहीं करवा पाए, जिसके चलते ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, जिसके लिए देखिए आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 24/12/2020 को कर दी गई है। दोस्तों, अगर आप फार्म अभी तक नहीं भरे हैं तो जल्द से जल्द अपना फार्म फिलअप कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो और दोस्तों अगर अब आपने अगर जाति आय निवास नहीं बनाए हैं तो इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, जाति आय निवास कैसे किस तरह से बनवाना है। आप आसानी से जाति आय निवास बनवाने के लिए इसमें आसानी से प्ले लिस्ट में देखिए यहाँ पर डाला गया है जाति आय निवास किस तरह से बनवाना है, देखिए इस पर आसानी से देख सकते हैं, आप आसानी से बनवा सकते हैं जाति आय निवास, ठीक है दोस्तों। देखिए अब इसके बाद दिखाते हैं आपको ये इसका दूसरा का NMMSS का, इस पर आप सीधे क्लिक करिएगा तो देखिए आप क्लिक करिएगा तो देखिए इसमें भी लिखा है 24/12/2020। देखिए ये ऑनलाइन 2019-2020 था, लेकिन इसका डेट बढ़ाकर 24/12/2020 करके दिया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों।